हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज का हमारा स्पेशल मेन्यू है इंस्टेंट जलेबी जो कि हम बनाएंगे यूजिंग दिस पैक ऑफ गिट्स जलेबी डेजर्ट मिक्स जिसके साथ हमें ये क्यूर सा बॉटल एब्सोल्युटली फ्री मिलता है जिसे जिससे हम जलेबीज इजीली बना पाएंगे तो ये पैक कुछ इस तरह से दिखता है तो ये जलेबी पैक uh, जो है मेरे को बहुत दिन से मैंने ढूंढ रही थी बट फाइनली मुझे ऑनलाइन मिल गया तो मैंने मंगवा लिया था ये दशहरा के टाइम पे मैंने मंगवाया था और बनाया था जलेबीज़ तो इस पैक को यूज़ कर कर आप अराउंड ट्वेंटी फ़ाइव जलेबीज़ तक बना सकते हैं पीछे क्लियरली यू नो मेंशन किया जाता है हर एक स्टेप की कैसे आपको बनाना है क्या करना है कैसे कितना क्वांटिटी यूज़ करना है हर चीज़ का जैसे पानी कितना लेना है घी या ऑयल कितना लेना है फ्राई करने के लिए शुगर सिरप में शुगर आ, कितना लेना है और पानी कितना लेना है सब कुछ क्लियरली मैंशन किया गया है पैक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जलेबीज़ बनाने के वक्त एंड ये सेवेंटी फाइव रुपीज़ का पैक है गाइस जो कि आपको कम ज़्यादा में मिल सकता है ऑनलाइन तो ये पैक कुछ ऐसे ऐसे दिखता है अब पैक का जो भी कंटेंट है उसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी तो अंदर कुछ इस तरह सा प्लास्टिक का कवर आता है जिसे हमें एक बाउल में ट्रांसफ़र करना होता है और अकॉर्डिंगली हमें उसका पानी डालना होता है और एक बैटर की तरह बनाना होता है तो इसी बीच में जब ये हो रहा था मैंने एक गैस में घी चढ़ा दिया था एक पैन में घी चढ़ा दिया और एक गैस में मैंने शुगर सिरप का तैयारी कर लिया था तो बैटर बनाते वक्त ही मैंने तीनों चीज़ें कर ली थी ताकि साइड बाय साइड हम लोग इजीली हर स्टेप को फॉलो करते हुए जलेबी बना सके तो ये हमारा बैटर बन रहा है जिसमें मैं पानी डाल रही हूँ पानी आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नहीं तो बैटर एक कंसिस्टेंसी इस कंसिस्टेंसी तक आ जाए जब तक आप उसमें पानी डालें अब जो भी बैटर बना है देखिए इस कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए यह मैं उस बॉटल में डाल दे रही हूँ और जो है पैन के अंदर हम लोग अब जलेबी डाल रहे हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम हम डाल रहे थे इतने दिन के बाद तो अच्छा शेप नहीं आ रहा था बट सेकेंड टाइम से अच्छा शेप आ रहा था सेकेंड पाया जो हमने डाला था वो अच्छा शेप आया था गोल सा तो ये देखिए हमारी जलेबीज़ पतली पतली जलेबीज क्रिस्पी क्रिस्पी बनी जलेबीज़ फ्राई हो रही है इसी बीच जो भी जलेबीज फ़्राई हो रही थी ना उसे हमने शुगर सिरप में ट्रांसफ़र कर दिया था शुगर सिरप का मैंने वीडियो नहीं लिया था बट कुछ नहीं मैंने शक्कर डाला था पानी डाला था और उसके अंदर थोड़ा सा केसर डाला था और हमारी चासनी बना ली थी तो ये हमारी जलेबी एब्सोल्युटली रेडी है तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह बनी है अब परफेक्ट शेप तो नहीं आएगा बिकॉज़ वी आर नॉट ए प्रोफेशनल हलवाई बट या yeah, जलेबी क्रिस्पी और टेस्टी ज़रूर बनती है और आपको एक बार तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए नेक्स्ट टाइम आपके घर में अगर अचानक से गेस्ट आ जाए और आपके पास ये पैक अवेलेबल हो तो आप उन्हें 10 मिनट में जलेबी बनाकर खिला सकते हो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग